देख रहे हैं ना आप ये बिल्डिंग, खूबसूरती में कोई कमी तो नहीं, लेकिन इतनी शानदार बिल्डिंग किसी महानगर में नहीं बल्कि बुंदेलखंड के एक शहर में बनने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है पर इसकी डिजाइन रेडी है, भूमि पूजन भी हो चुका है, काम की भी शुरुआत हो गई। कुल मिलाकर जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना होगी ये बिल्डिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिल्डिंग है किसकी और कौन इसे बनवा रहा है। सब्र रखिए साहब, सब्र रखिए, धीरे धीरे हम आपको वही बता रहे हैं। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सब्र का फल मीठा होता है, तो इसका फल भी मीठा ही होने वाला है। तो अब आते हैं इस बिल्डिंग के बारे में। दरअसल ये बिल्डिंग बीडीए के ऑफिस के लिए है। बीडीए मतलब बांदा विकास प्राधिकरण, अंग्रेजी में कहें तो बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले बीडीए का ऑफिस शहर के बाबूलाल चौराहे में स्थित राइफल क्लब मैदान में बना था। भारी भरकम स्टाफ के लिए बीडीए के पास था तो सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस, और वो भी ऐसा जिसके लिए उन्हें भी आरटीआई में जवाब देना पड़ता था कि उस ऑफिस का नक्शा उन्होंने नहीं बनाया। मतलब जो स्वयं दूसरों के भवन के नक्शे पास करता हो उसके पास स्वयं के बैठने के लिए अपना कहा जाने वाला ऑफिस ही नहीं था। ऐसे में मुसीबत बड़ी थी, पर बांदा के डीएम आनंद कुमार सिंह और बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के संयुक्त प्रयास का नतीजा ये रहा कि बीडीए को बहुत ही जल्द अपना नया भवन मिल जाएगा। आप भी देखिए इस भवन को। डीएम आनंद कुमार सिंह के विशेष प्रयास से इस बिल्डिंग की डिजाइन तैयार हुई है। करोड़ों की लागत से तैयार होने जा रही इस बिल्डिंग के निर्माण का खर्च बीडीए अपने ही स्रोतों से कर रहा है। बांदा के नरैनी रोड में मेडिकल कॉलेज के पास ही बनने जा रही विकास प्राधिकरण की दीनदयालपुरम आवासीय योजना में ही ये बिल्डिंग बन रही है। पिछले माह 16 जुलाई को सांसद, विधायक और डीएम ने इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया। लगभग 6 माह में ही इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। 4200 स्क्वायर मीटर एरिया में बन रही ये बिल्डिंग बांदा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन बनेगी। इसके पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, और अब इसकी बारी है।